मित्रों, 17 सेकंड जो चाहो वो पाओ, क्या यह पॉसिबल है? क्या यह संभव है? 100% संभव है। यह पॉसिबल है अगर हम यूनिवर्स के नियमों को समझ जाए और अगर हम ये समझ जाए कि यह ब्रह्मांड कैसे काम करता है, यह एनर्जी कैसे काम करती है, तो 17 सेकंड में हम वो हर चीज को पा सकते हैं जो हम पाना चाहते हैं। लेकिन इससे पहले हम ये समझेंगे कि आज से 2600 साल पहले तथागत गौतम बुद्ध ने एक बात कही थी। बुद्ध ने कहा था, हम आज जो कुछ भी है वह हमने आज तक क्या सोचा है इस बात का प्रमाण है। मतलब अभी हम जैसा सोच रहे हैं, अभी हमारी विचारधारा जैसी है, हम भविष्य में वैसे ही बनते चले जाएंगे। और यहीं से तो लॉ ऑफ अट्रैक्शन यानी कि आकर्षण के नियम का सिद्धांत लागू होता है। और ये बात सिर्फ बुद्ध ने नहीं कही थी, स्वामी विवेकानंद जी ने भी कहा था, हम वह है जो हमें हमारी सोच ने बनाया है। इसलिए इस बात का ध्यान रखिए कि आप जो सोचते हैं, जो विचार करते हैं, वही वास्तविक जीवन में हो जाते हैं। और लॉ ऑफ अट्रैक्शन यानी कि आकर्षण के सिद्धांत ये कहता है कि आप अपने जीवन में उस चीज को आकर्षित करते हैं जिसके बारे में आप सोचते हैं, क्योंकि आपकी प्रबल सोच हकीकत बनने का कोई ना कोई रास्ता निकाल ही लेती है। अगर इसे सीधे तरीके से कहा जाए तो आकर्षण के नियम का सरल अर्थ है, जिस वस्तु के बारे में आप ध्यान केंद्रित करते हैं वह वास्तविक जीवन में प्रकट हो जाती है। यह सिद्धांत कहता है कि आपकी सोच ही आपके जीवन में हकीकत बन सकती है। अगर आप सोचते हैं कि आपके पास बहुत पैसा है तो सचमुच आपके पास बहुत पैसा हो जाएगा। यदि आप सोचते हैं कि मैं हमेशा गरीब ही रहूंगा तो आप गरीब ही रह जाओगे। यही सिद्धांत का नियम है, यही लॉ ऑफ अट्रैक्शन है। अब यहाँ पर हम 17 सेकंड मैनिफेस्टेशन टेक्निक को इम्प्लीमेंट करेंगे और ये जानेंगे कि आखिर 17 सेकंड मैनिफेस्टेशन टेक्निक का आविष्कार किसने किया। आपने अब्राहम हिक्स के बारे में तो सुना ही होगा। अब्राहम हिक्स एक फेमस राइटर और एक मोटिवेशनल स्पीकर थे जिन्होंने लॉ ऑफ अट्रैक्शन के नियमों को अपने जीवन में ठीक तरीके से इस्तेमाल किया। उन्हें अपने असीमित बुद्धिमत्ता यानी कि इन्फिनिटिव इंटेलिजेंस की वजह से जाना जाता है। अब यहाँ पर आपके दिमाग में एक सवाल आता होगा कि क्या इस 17 सेकंड मैनिफेस्टेशन मेथड की सहायता से हम जीवन में वह सब कुछ प्राप्त कर सकते हैं जिसकी हम आकांक्षा रखते हैं। इस तरह के सभी सवालों के जवाब आपको इस वीडियो में मिलेंगे। और ये बात सच है कि अगर आपने 17 सेकंड तक अपने विचार को किसी एक जगह पर केंद्रित कर देते हैं, चाहे वो विचार आपके किसी भी चीज से जुड़ी क्यों ना हो, चाहे वो विचार फाइनेंस से जुड़ी हो, रिलेशनशिप से जुड़ी हो, मनी से जुड़ी हो, या आपके लक्ष्य से जुड़ी हो, वह जरूर पूरा होता है। बस आपको इस मैनिफेस्टेशन मेथड के पीछे का रहस्य को समझना होगा, तभी आप इस मेथड को अपने जीवन में बारीकी से कर पाएंगे और इसके अच्छे रिजल्ट्स को देख पाएंगे। देखिए, इस भौतिक संसार में इंसान कई प्रकार की इच्छाएं एवं आकांक्षाएं रखता है और इनकी प्राप्ति के लिए वह हर संभव प्रयास भी करता रहता है, लेकिन सफलता बहुत कम लोगों को ही प्राप्त हो पाती है। इसका मुख्य कारण है कि ये ब्रह्मांड या यूनिवर्स किस तरह से कोई चीज हमारे जीवन में प्रकट करता है, उस तकनीक के बारे में जानकारी नहीं होना। हमारे जीवन में हमें जो कुछ भी, चाहे वो अच्छा या बुरा प्राप्त हो रहा है, वह यूनिवर्स के नियमों से जुड़ा हुआ है। मतलब हमारे जीवन के हर एक घटनाओं में यूनिवर्स का संबंध है। अब्राहम हिक्स कहती है कि अगर आप मात्र 17 सेकंड तक अनडिवाइडेड अटेंशन लगाते हैं या अपने विचार को एक ही जगह पर केंद्रित करते हैं या एक ही चीज के बारे में सोचते हैं, चाहे आपकी वो सोच किसी भी लक्ष्य से क्यों नहीं जुड़ी हो, चाहे आपकी वो सोच किसी भी फाइनेंशियल अबंडेंस से क्यों नहीं जुड़ी हो, अगर एक ही चीज में आप 17 सेकंड के लिए ध्यान लगा सके, उस बीच एक पल भी ध्यान भटकना नहीं चाहिए, तो ये यूनिवर्स काफी कुछ आपको दे सकता है। ऐसा क्यों कहा जाता है? ऐसा इसलिए कहा जाता है क्योंकि कहते हैं कि अगर आपने 17 सेकंड का कहीं भी एनर्जी लगाया किसी भी जगह पर, तो आपके ये छोटे से विचार इस ब्रह्मांड के लिए बहुत बड़ा इम्पैक्ट क्रिएट करता है। जब आप 17 सेकंड किसी भी चीज पर पूरा अनडिवाइडेड फोकस के साथ ध्यान लगाते हैं, तो ये पूरा यूनिवर्स बैकग्राउंड में 2000 घंटे का काम कर लेता है, यानी कि 2000 घंटे का एक्शन कर लेता है। इसको एक्शन आवर बोलते हैं। ये आपको सुनने में तो अजीब लग रहा होगा, लेकिन आपने एक तितली को देखा होगा, बटरफ्लाई को आपने देखा होगा। जब एक बटरफ्लाई पंख फैलाती है या फड़फड़ाती है तो पूरे ब्रह्मांड में हलचल मचता है। ठीक उसी तरह जब आप एक शांत झील में एक कंकड़ फेंकते हैं, तो उस कंकड़ की वजह से जो पानी में वेव्स बनते हैं, तरंगे बनते हैं, वे पूरे झील में फैल जाती है। इसलिए यहाँ पर यही समझा जाता है कि एक छोटा सा पल बहुत ही बड़ा रेवोल्यूशन ला सकता है। इसे आप ठीक से समझिए। ग्राहम बेल का नाम आपने सुना ही होगा। उनके दिमाग में एक छोटा सा विचार आया कि मुझे घर बैठे बैठे मीलों दूर दूसरे लोगों से बातें करना है। बस उनके एक छोटे से विचार से ही टेलीफोन का आविष्कार हुआ। यहाँ पर आपको ये समझना होगा
कि एक विचार जो कि ग्राहम बेल के दिमाग में आया और उनके एक विचार के कारण ही ये पूरी दुनिया उस पर काम में लग गया, क्योंकि इससे टेलीफोन का आविष्कार हुआ। फिर उस टेलीफोन को विस्तार किया गया और मॉडर्नाइजेशन करते करते आज हमारे पास स्मार्टफोन्स है। मतलब उनके एक विचार से ही बैकग्राउंड में ये पूरा ब्रह्मांड काम किया, इस ब्रह्मांड में जुड़े लोग काम किए। इसलिए कहा जाता है कि अगर आप 17 सेकंड तक प्योर थॉट्स लगाते हैं तो ये यूनिवर्स 2000 घंटे का काम करता है। और एक चीज, ये जो 2000 घंटे का काम यूनिवर्स किया, इसे एक मिनी चमत्कार भी कहा जाता है। लेकिन जरा सोचो, अगर आपने 34 सेकंड तक शुद्ध विचार एक ही जगह पर केंद्रित किए तो ये यूनिवर्स 20000 घंटे का काम कर देता है। ठीक इसी तरह अगर आप 51 सेकंड तक अनडिवाइडेड फोकस रहे तो ये यूनिवर्स बैकग्राउंड में 200000 घंटे के कार्य के बराबर करते हैं, जो कि एक बड़ा चमत्कार है। और अंतिम में अब्राहम एक्स कहती है कि अगर आपने अपने विचारों को 68 सेकंड तक केंद्रित कर लिया तो ये ब्रह्मांड आपके पीछे 2000000 घंटे का कार्य करते हैं, जो कि आपके जीवन में एक बहुत ही बड़ा रेवोल्यूशन ला कर देता है, आपके जीवन में बहुत ही बड़ा बदलाव आते हैं। यहाँ तक तो आप समझे कि कैसे आपके जीवन में ये ब्रह्मांड काम करता है। अब हमारी समस्या ये है कि हम इस मेथड को स्टेप बाय स्टेप कैसे करें ताकि हम इसका भरपूर लाभ उठा पाए। ये मेथड बार बार कहता है, यदि आप किसी भी विशुद्ध विचार पर लगातार 17 सेकंड तक ध्यान केंद्रित करने में सफल हो जाते हैं तो वह विचार इतना शक्तिशाली हो जाता है कि वह आकर्षण के नियम को कार्यशील कर देता है और वह विचार आपके जीवन में प्रकट होने लगते हैं। इस प्रक्रिया में आपके दिमाग में कोई भी अन्य विचार या उस विचार का कोई भी विरोधी विचार, जैसे कि आपने कोई लक्ष्य को पाने के लिए सोचा था तो उस वक्त आपके दिमाग में ये विचार नहीं आने चाहिए कि मैं उस लक्ष्य को अचीव कर पाऊंगा या नहीं। कोई भी नकारात्मक विचार नहीं आने चाहिए। 17 सेकंड तक यदि आप ऐसा करते हैं तो वह विचार इतना शक्तिशाली हो जाता है कि वह आपके अवचेतन मन में ही चला जाता है। और आपको ये पता है कि कोई भी चीज जो आपके अवचेतन मन में चली जाती है तो आपका अवचेतन मन ही इस ब्रह्मांड से जुड़कर आपके जीवन में उन सभी चीजों को प्रकट कर देती है। आपके अवचेतन मन की शक्ति उस विचार से संबंधित चीज या कोई वस्तु या व्यक्ति या आपकी इच्छा आपके जीवन में प्रकट करने लगती है। यहाँ पर एक सवाल ये भी उठता होगा कि 17 सेकंड ही क्यों? इसे तो हम 10 सेकंड भी कर सकते हैं, 12 सेकंड भी कर सकते हैं, लेकिन 17 सेकंड ही क्यों? देखिए, 17 सेकंड की समय सीमा इसलिए निर्धारित की गई है क्योंकि जब आप किसी भी विशुद्ध विचार पर 17 सेकंड तक लगातार ध्यान केंद्रित या फोकस करते हैं तो इस समय के पश्चात यह विचार आपके अवचेतन मन में चला जाता है। इस 17 सेकंड के समय को किसी विचार का दहन बिंदु यानी कि इग्निशन पॉइंट माना गया है। इस समय के पश्चात आपकी सकारात्मक ऊर्जा का स्तर बढ़ने लग जाता है और इसी वाइब्रेशन के अन्य सकारात्मक विचार आना शुरू हो जाते हैं। आइए समझते हैं कि 17 सेकंड सिद्धांत का उपयोग आखिर कैसे करें। इस मेथड को अपने जीवन में प्रभावी ढंग से उपयोग करने के लिए आपको इन 5 स्टेप्स को फॉलो करने होंगे। सबसे पहले आपको रेडी होना होगा। 17 सेकंड मैनिफेस्टेशन तकनीक की प्रक्रिया को प्रारंभ करने से पूर्व आपके भीतर एक खुशी और सकारात्मकता होनी चाहिए। इसलिए सकारात्मक मन से किसी एकांत स्थान पर शांत होकर बैठ जाए। यदि उस वक्त आपका मन सही ना हो या किसी भी प्रकार के तनाव महसूस कर रहे हैं या अच्छा महसूस नहीं कर पा रहे हैं तो इस प्रक्रिया को उस समय ना करें तो ही बेहतर होगा। इस टेक्निक को शुरू करने से पहले आपको एक शांत जगह में बैठ जाना है। उसके बाद एक गहरी सांसें लेना है और उन सांसों को आपको छोड़ना है। हो सके तो आप उस बीच कोई म्यूजिक भी सुन सकते हैं। उस वक्त आपको सकारात्मक होने के लिए आप अपने जीवन के कुछ अच्छे पलों को भी महसूस कर सकते हैं। फिर धीरे धीरे आपका मन शांत होगा जब आप अपने ध्यान को सांसों पर केंद्रित करेंगे और आपको एक प्रसन्नता और सकारात्मक भावना लाना है। दूसरा, निर्णय ले कि आपको क्या प्राप्त करना है। जब आपने अपने भीतर सकारात्मकता भर दी है, आपके भीतर एक खुशी है, एक शांति है, तब आपको डिसाइड करना है कि आपको अपने जीवन में क्या चाहिए। चाहे आप धन कमाना चाहते हैं, चाहे आप मनी अबंडेंस चाहते हैं, या लक्ष्य को चाहते हैं, या एक अच्छे रिलेशनशिप को चाहते हैं, उस चीज के बारे में आपको एक डिसीजन लेना होगा। बहुत से लोग इस टेक्निक में इसीलिए असफल होते हैं क्योंकि वे प्रायः एक इच्छा से दूसरी इच्छा के बीच में झूलते रहते हैं। वे लंबे समय तक एक ही इच्छा में, एक ही डिजायर में टिके नहीं रहते हैं। यहाँ आपको एक चीज ध्यान रखनी होगी कि एक बार में एक ही चीज पर ध्यान केंद्रित करें। अगर आप अपने गोल्स को पाना चाहते हैं और मनी को भी पाना चाहते हैं तो आपको दोनों में कोई एक चीज को ही चुनना है उस वक्त। अगर आप अपने लक्ष्य को पाना चाहते हैं तो उस वक्त के लिए आप सिर्फ अपने लक्ष्य के बारे में सोचें। अभी आपने 17 सेकंड शुरू नहीं किया है, बस आप अपने भीतर सकारात्मकता लाए हैं। उसके बाद आप अपने लक्ष्य के बारे में डिसाइड किए हैं कि आपका लक्ष्य क्या है, आप क्या पाना चाहते हैं या आप कितना पैसा कमाना चाहते हैं। इस चीज के बारे में आपने सिर्फ डिसाइड किया है। उसके बाद आता है नंबर 3, इच्छित विचार पर फोकस करें। आपके जो भी डिजायर्ड थॉट्स है
उस पर आपको फोकस करना है। यहाँ पर आपको 17 सेकंड का इस्तेमाल करना है। जब आपने ये निश्चित कर लिया कि आपको क्या प्राप्त करना है, तब आप अपने घड़ी में स्टॉप वॉच सेट कर सकते हैं या 17 सेकंड का टाइमर लगा सकते हैं। उस वक्त आपको 17 सेकंड तक, जब आपने टाइमर स्टार्ट कर दिया, तब आपको अपने उन विचारों को ठीक से पकड़ना है। जरा सा भी आपका दिमाग नहीं भटकना चाहिए। अगर उस वक्त आपका दिमाग भटक गया है, तब आप इसे दोबारा से करें। मतलब आपको पूर्ण अवधान और मनोयोग से 17 सेकंड तक फोकस करना है। उस विचार को लगातार 17 सेकंड तक पकड़े रखे, कोई दूसरा विचार ना आने पाए। एक चीज यहाँ पर आपको ध्यान देना है कि जब भी आप उन विचारों को सोचे, तो आपको उन विचारों को फील भी करना है। यहाँ फीलिंग बहुत ही मायने रखता है। मतलब आपको अपनी भावनाओं को उन विचारों के साथ जोड़ना है। मान लीजिए अगर आपने अपने लक्ष्य को पा लिया है, तो उस वक्त आपके भीतर एक कैसी खुशी होती है, उस तरह का खुशी आपको रखना है। उस वक्त आपको अपने सपनों को पूरा होते हुए महसूस करना है। यदि आपको अपने विचारों पर फोकस करने में समस्या हो रही है, तो स्टार्टिंग में आप कॉपी पेन का भी उपयोग कर सकते हैं। आप अपनी चाहत के बारे में, उनसे जुड़े विचारों, भावनाओं के बारे में, उनके पूरे होने पर मिलने वाली खुशी के बारे में 17 सेकंड तक कॉपी में लिखते रहे। फिर धीरे धीरे आपके विचार एक जगह पर कॉन्सेंट्रेट होना शुरू हो जाएगा। यहाँ पर आप 369 मैनिफेस्टेशन टेक्निक का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, ताकि आप इसका भरपूर लाभ उठा पाए। 369 मैनिफेस्टेशन टेक्निक, जो कि निकोला टेस्ला के द्वारा दिया गया था, यानी कि आपको अपने विचारों को सुबह के समय 3 बार लिखना है, उसके बाद उसी विचार को दोपहर के समय 6 बार लिखना है, और फिर उसी विचार को रात में सोने से पहले 9 बार लिखनी है आपको। अगर 369 मैनिफेस्टेशन टेक्निक के बारे में आप ठीक से जानना चाहते हैं या विस्तार से जानना चाहते हैं, तो मेरे डिस्क्रिप्शन के नीचे एक वीडियो का लिंक दिया हुआ है। उस वीडियो को देखकर आप 369 मैनिफेस्टेशन टेक्निक को ठीक से इस्तेमाल कर पाएंगे। स्टेप 4, विचार पर फोकस 68 सेकंड तक बढ़ाए। जब हम किसी भी विचार पर 17 सेकंड तक ध्यान केंद्रित करने में सफल हो जाते हैं, तो ब्रह्मांड हमें उसी वाइब्रेशन का एक अन्य सकारात्मक विचार भेजता है। उस पर भी हमें 17 सेकंड तक फोकस करना है। इस प्रकार एक के बाद एक समान कंपन के 4 विचारों पर कुल 68 सेकंड तक ध्यान केंद्रित करना है, जो कि उसी से संबंधित हो। अब्राहम हिक्स कहती है कि यदि हम ऐसा करने में सफल हो जाते हैं, तो हमारी इच्छा वास्तविकता में बदलना शुरू हो जाती है। इसे ही 68 सेकंड मैनिफेस्टेशन टेक्निक भी कहा जाता है। स्टेप 5, अंत में विचार को जाने दे। यह अंतिम चरण है। जब आपने 17 सेकंड टेक्निक का इस्तेमाल कर लिया, धीरे धीरे इसे 68 सेकंड तक बढ़ा लिए, तब आपको धीरे धीरे अपने सभी विचारों को पूर्ण रूप से रिलीज कर देना है। क्योंकि अगर आप ऐसा नहीं करेंगे, अगर इन विचारों को आप पूरे दिन पकड़े रखेंगे, तब आपके मस्तिष्क में इसके प्रति एक विरोधी विचार आएंगे, जो कि एक रेजिस्टेंस का काम करेगा, जो कि आपके इन विचारों को तोड़ने का काम करेगा, और इसके परिणाम स्वरूप आपके भीतर एक शंका और संदेह आना शुरू हो जाएंगे, और आपने जो भी अचीव किया, जो भी आपने सोचा, वह पूरी तरह से डिस्ट्रैक्ट भी हो सकते हैं। इसलिए जब आपने इन प्रोसेस को कर लिया, तब आपको इन विचारों को रिलीज कर देना है। इस प्रक्रिया के पूर्ण होने के बाद कोई ऐसा कार्य करे जिससे आपके दिमाग में उस विचार के स्थान पर कोई अन्य चीज ग्रहण कर ले, जैसे कि व्यायाम करना या कोई भी वर्क करना जो आप करना पसंद करते हैं। ज्यादातर इस तकनीक का प्रयोग 68 सेकंड मैनिफेस्टेशन के स्थान पर टेस्ला कोड 369 के साथ भी किया जा सकता है, जिससे कि आपके जीवन में और बेटर रिजल्ट मिलेंगे। अब्राहम हिक्स कहती है कि ये 17 सेकंड आपके जीवन में एक बहुत ही बड़ा बदलाव ला सकता है। आपकी इच्छा जिस भी फील्ड में है, उस फील्ड में आप एक अबंडेंस को पाएंगे, चाहे वो फील्ड धन से, स्वास्थ्य से या रिलेशनशिप से संबंधित क्यों ना हो, आप हर फील्ड में एक अबंडेंस को पाएंगे। दोस्तों, वीडियो कैसे लगे कमेंट जरूर कीजिएगा। क्या पता आपका एक कमेंट किसी का जीवन बदल दे। और इसी तरह की वीडियोस पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर दबाइएगा, ताकि आप मेरे आने वाले हर वीडियो के नोटिफिकेशंस आसानी से पा सके। धन्यवाद।